जी अदील, स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। जी सर, तो सर हमारा बुक टॉपिक द बुक का नाम स्टेट एंड बता दें, चैप्टर का नाम बता दें, टॉपिक बता दें। जी सर सर हमारा चैप्टर है द स्टेट एंड फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबल एज। ये चैप्टर 5 है एंड्रयू हीवेट की बुक का द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो इस चैप्टर के अंदर जो है हम 5 जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, स्टेट एंड सॉवरेनिटी, स्टेट इन ग्लोबलाइज वर्ल्ड, रिटर्न ऑफ स्टेट एंड फॉरेन पॉलिसी एंड मॉडल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो सबसे पहले हम चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टेट की तरफ। तो हम यहाँ देखेंगे क्या जो स्टेट आज हमें नज़र आती है कि क्या ये शुरू से ऐसे ही थी, क्या इसके अंदर कोई चेंजेस आई हैं, या जो अब मौजूदा स्टेट है इसके फीचर्स क्या हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ स्टेट में जो सबसे पहला मेजर जो इवेंट है वो है पीस ऑफ वेस्टफेलिया का। ये 17 सेंचुरी में हुआ था जिसके अंदर ये चीज़ एक्नॉलेज की गई थी कि ईच स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव सॉवरेंटी ओवर इट्स टेरिटरी, के जो स्टेट की टेरिटरी है और उसके ऊपर जो सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का मतलब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो सॉवरेनिटी है वो जस्ट उसी स्टेट की है, कोई फर्दर कोई और स्टेट उसको डिक्टेट नहीं कर सकती। तो फिर हम देखते हैं कि आगे 1933 में मोंटीवीडियो कॉन्वेंशन हुआ है जिसके अंदर जो उसका आर्टिकल 1 है वो स्टेट के जो 4 बेसिक फीचर्स हैं उनको डिफाइन करता है। तो उसके अंदर उसने स्टेट को यूँ डिफाइन किया है कि जो स्टेट है उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी है, उसकी पॉपुलेशन है, और उसके बाद उसके अंदर एक इफेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है, और उस स्टेट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो दूसरी स्टेट के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को डेवलप कर सकती है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो डिफाइन की गई हैं। तो इससे पहले ऐसा नहीं था, और पहले जो था कोई किंगडमशिप और बाकी जो अम्पायर्स का सिस्टम वो चला आ रहा था उसके अंदर, आल दो ऐसे डिफाइंड टेरिटरी भी नहीं होती थी। तो वो कहते थे कि यहाँ तक ज़मीन हमारी है, तो उसके बाद वो इलाका उनका हो जाता था। तो अब परमानेंट पॉपुलेशन भी दी गई है और गवर्नमेंट भी जो है वो स्टेट के जो फीचर्स हैं उनके अंदर ऐड की गई है। तो आर्टिकल 3 जो है उस कन्वेंशन का वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो राइट रखती है खुद को डिफेंड करने का, जो बाहर से जो लोग उस पर अटैक करते हैं वो उसको अपने आप को कंजर्व कर सकती है, वो प्रॉस्पर कर सकती है, और जैसे भी स्टेट खुद को स्टेट जो समिति है वो जिस तरह चाहे वो अपना काम चला सकती है, वो किसी की तरफ से डिक्टेट नहीं होगी। इन्हीं व्यूज को देखते हुए जब हम नीचे स्कॉलरली व्यूज की तरफ आते हैं तो जो मैक्स वेबर था जो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था उसने स्टेट की जो डेफिनेशन की उसके अंदर उसने स्टेट को जो है वो लेजिटिमेट जो है वायलेंस जो है उसका उसने इख्तियार दिया है। अब इसका मतलब ये है कि जो स्टेट के अंदर जो लीगल वायलेंस है वो सिर्फ स्टेट का राइट होगा। अगर हम डेली रूटीन में देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आज कोई शख्स चोरी कर रहा है तो हमारा कोई इख्तियार नहीं है कि हम उसको सजा दे सके, ये जस्ट स्टेट का इख्तियार है कि स्टेट ही जो है वायलेंस को लेजिटिमेट करेगी। इन अदर सेंस हम ये कह सकते हैं कि जो वायलेंस है उस पर मोनोपोली जो होगी वो स्टेट की होगी। उसके बाद जो दूसरा बेसिक स्कॉलर है उसने उसको फिजिकल मोनोपोली जो है वो स्टेट की उसको उसने डिफाइन किया है। उसने कहा है कि जो टैक्सेशन होगी सिटीजन्स पर और जो गुड्स एंड जो प्रोडक्ट्स बनेंगी किसी भी स्टेट के अंदर वो स्टेट का इख्तियार होगा कि उसने उसको कैसे बनाना है, उसने वेजेस क्या रखनी है और उसने उसको कैसे सेल करना है या परचेज करना है, ये सोलली स्टेट का इख्तियार है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफ जो कहते हैं उसको वो था एवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है स्टेट एंड सॉवरेनिटी। हम ये कह सकते हैं कि स्टेट जो है वो उसके डुअलिस्टिक स्ट्रक्चर है। डुअलिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि स्टेट को दो जगह पे डील करना पड़ता है, एक तो उसकी एक्सटर्नल सॉवरेंटी है और एक उसकी इंटरनल सॉवरेंटी है। क्योंकि हम मोंटेविडियो कन्वेंशन में पीछे ही देख चुके हैं कि स्टेट जो है वो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट उसके अंदर होती है और एक उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो दूसरी स्टेट के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर सके। तो जो इफेक्टिव गवर्नमेंट है ये इसकी डुअलिस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर हम ये कह सकते हैं, ये इंटरनल जो डीलिंग्स होती हैं उसको देखते हैं देखती है, और जो कैपेसिटी टू बिल्ड विद अदर रिलेशंस है
वो उसकी आउटर वर्ल्ड जो उसका फेस है स्टेट का उसको डिफाइन करता है। तो हम यहाँ आगे आगे सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को डिफाइन करते हैं कि जो सॉवरेनिटी है उसका मतलब ये है कि ओनली स्टेट हैज द राइट टू रूल इट सेल्फ। जो लोग उसके अंदर रह रहे हैं उन पे रूल कौन करेगा? जस्ट स्टेट करेगी। और उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन बनाएगी? वो स्टेट बनाएगी, स्टेट ही गवर्नमेंट बनाएगी। और जो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करना है वो भी स्टेट खुद ही करेगी। और जो लॉ एंड इन्फोर्स जो लॉ को इन्फोर्स करना है वो भी स्टेट अपने तरीके से करेगी, कोई भी उसको डिक्टेट नहीं कर सकता। तो इंटरनल सॉवरेंटी के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो विद इन द स्टेट जो चीज़ें हमने करनी है, जो लॉ मेकिंग करनी है, जो डिसीजन मेकिंग करनी है और उसको इम्प्लीकेट करना है सिटीजन के ऊपर, तो और वो है हमारा इंटरनल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट। और जो एक्सटर्नल सॉवरेंटी है तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल जो स्टेज है उसके ऊपर जो स्टेट है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टर के तौर पे काम करेगी। उसकी मर्जी यह है कि वो किसके साथ रिलेशंस रखना चाहे, किसके साथ नहीं रखना चाहे, किसी भी जो ग्लोबल इशू पे कोई अगर डिस्कशन हो रही है तो वो अपना स्टांस क्या लेती है। ये बहुत पहले की बातें हैं सॉवरेंटी के बारे में, जब जो नोशन ऑफ सॉवरेंटी है वो न्यू न्यू डेवलप हुआ था। आगे जाके जो चेंजेस अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो जो चेंजेस के अंदर आई हैं वो हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे। तो सॉवरेंटी के ऊपर डिफरेंट लोगों के व्यूज हैं। तो जो जीन बॉर्डिन है ही वाज द फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसफर जिसने ये आइडिया जो है अब सबसे पहले कॉइन किया था सॉवरेंटी का। तो उसके अंदर उसने जो सॉवरेंटी है उसके ने कहा था कि जो एब्सोल्यूट एंड प्रीपेचुअल पावर है ये कॉमनवेल्थ की। प्रीपेचुअल का मतलब है कि ये ना ही खत्म होती है और ना ही चेंज होती है। इन अ सेंस हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त 17वीं सेंचुरी में जो सॉवरेंटी का आइडिया था वो सॉवरेंटी को हम एक हार्ड जो है ना कंटेनर के तौर पे देख सकते हैं कि कोई भी शख्स उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एज इसी तरह जो रियलिस्ट थ्योरिस्ट हैं उन्होंने सॉवरेंटी को डिफाइन करने के लिए जो बिलियर्ड बॉल है जो पूल है उसका उसने एग्जाम्पल लिया है कि जब हम बिलियर्ड खेलते हैं तो हम देखते हैं कि एक बॉल जो है वो दूसरे बॉल्स के साथ कोलाइड भी करती है और खुद को सस्टेन भी करती है और आगे भी मूव करती रहती है। तो जो उसका जो आउटर शेल है बॉल का वो उसकी सॉवरेंटी है जो उसको किसी भी एक्सटर्नल अटैक से बचाने में हेल्प करता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉवरेंटी जो है वो किसके हाथों में होनी चाहिए। हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि जो स्टेट है उसके अंदर एक गवर्नमेंट होगी, वही लॉ बनाएगी, वही लॉज को इन्फोर्स करेगी, लेकिन वो जो पावर है सॉवरेंटी की वो किसके हाथों में होनी चाहिए? तो उसके ऊपर डिफरेंट व्यूज हैं। सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स का व्यू है उसने ये कहा था है कि जो ह्यूमंस हैं वो नेचरली जो इगोइस्टिक हैं, ग्रीडी हैं और एनवियस हैं एक दूसरे से, और उसके उनके अंदर जो है वो पावर को हासिल करने की एक लस्ट होती है। तो उसने नेचर ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था तो जिसके अंदर ऑल अगेंस्ट ऑल थे। फिर उसने ये कहा कि अगर हमने प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, तो हमें ये करना होगा कि हमें एक रूलर चुनना होगा और सारी जो पावर है वो उसके हाथों में दे देनी होगी। इसी तरह हम हिस्ट्री में देखते हैं कि मोनार्क्स का आइडिया है जिन्होंने ये कहा कि हम रूल करेंगे। कुछ डिवाइन रूलर भी थे जिन्होंने ये कहा कि जो रूल है वो हमारी तरफ हमारे लिए खुदा की तरफ से डिफाइन है। यहां तक आते आते ये बात क्लियर है कि सॉवरेंटी होनी तो चाहिए और स्ट्रॉन्ग सॉवरेंटी होनी चाहिए, लेकिन ये भी डिस्कशन जारी है कि सॉवरेंटी जो है वो कहाँ होनी चाहिए, स्टेट के अंदर किसके हाथों में होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो रोसो ने सॉवरेंटी के अंदर पॉपुलर सॉवरेंटी का आइडिया दिया है जिसको हम जनरल विल का आइडिया कहते हैं। इसका मतलब ये उसने ये कहा था कि जो सॉवरेंटी है वो लोगों के हाथों में है, वो ना किसी मोनार्क के पास है ना ही किसी डिवाइन रूलर के पास है, वो लोगों के हाथों में है और लोग ही जो है अपनी विल के जरिए उसका इजहार करेंगे।
तो आज हम ये देखते हैं कि अगर हम इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, उसके अंदर जो कहीं ना कहीं जो एक जनरल विल का आइडिया है वो हमें नजर आता है, चाहे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को देखें, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट को देखें, या जिस तरह भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो यूएसए में हो या तुर्की में होने वाले डायरेक्ट इलेक्शन हो, तो हमें कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में जो जनरल विल का आइडिया वो हमें नजर आता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट इन ग्लोबल वर्ल्ड। अब हम ये कह सकते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन का राइज शुरू हुआ तो साथ साथ ये डिबेट भी शुरू हो गई कि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में स्टेट कहाँ पे स्टैंड कर रही है। कुछ लोगों ने इसको पोस्ट सॉवरन स्टेट भी कहा, क्योंकि TNC इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनके आने के बाद हम ये देख सकते हैं कि एट सम एक्सटेंट जो स्टेट की सॉवरेंटी है वो किसी हद तक इफेक्ट जरूर हुई है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन में हम कल्चर ग्लोबलाइजेशन को देखेंगे, तो कल्चर ग्लोबलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि आज जो है इंटरनेट का दौर है, मोबाइल और टीवी का दौर है, तो जो कल्चर है एक कंट्री का वो दूसरी कंट्री में कैसे पहुंच रहा है। क्योंकि जब हम पिछली जो पहली सॉवरेंटी की डेफिनेशन को देखते हैं तब हम कहते हैं कि स्टेट से कंट्रोल करेगी कि उसके बॉर्डर्स के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इस हद तक बढ़ चुका है कि स्टेट जी कंट्रोल नहीं कर सकती। हम ये देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम जो कोरियन ड्रामास हैं वो भी देख रहे हैं, जो डिफरेंट इवेंट्स दुनिया भर में हो रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, उनके म्यूजिक को भी सुन रहे हैं, और बाकी जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनको भी देख रहे हैं। अच्छा, कल्चरल वैल्यू तो एक अलग चीज है, लेकिन हम बेसिक जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को, कि क्या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन किस हद तक बढ़ चुकी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट की सॉवरेंटी जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये 1990 में ओहम ने ये आइडिया दिया था कि जो स्टेट है, जो क्या कहते हैं उसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो आजकल बॉर्डरलेस वर्ल्ड में हो रही हैं। और उसके बाद जो सुसन स्टेन का आइडिया था वो ये कहते हैं कि एक दौर था जब जो स्टेट है वो मार्केट्स को कंट्रोल किया करती थी, लेकिन आज जो है वो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है और जो मार्केट है वो स्टेट को कंट्रोल कर रही है। अब ये कैसे करती है, हम आगे जाके इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमें इरा ऑफ सुपर टेरिटोरियलिटी, इसका मतलब ये है कि जो बॉर्डर्स हैं बिटवीन द स्टेट्स फॉर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो एलिमिनेट हो चुके हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि अगर हमने सर्विसेज लेनी है और कोई शख्स यहाँ से किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, तो हम वहाँ भी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू वहाँ से उसकी सर्विसेज ले सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन की सर्विसेज हों या कोई और सर्विसेज हों। इसी तरह आज जो है वो जो सुपर टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो ग्लोबलाइज हो गई है और इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है वो स्टेट की बहुत बढ़ चुकी है। किसी भी इवेंट में स्टेट जो है वो खुद को अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो रशिया यूक्रेन वार के अंदर हम देख सकते हैं कि जब वो वार शुरू हुई तो जो इकोनॉमिक कह सकते हैं उसको डाउनफॉल आया है पूरी दुनिया के अंदर, उसका इफेक्ट सब पे हुआ है। ये पहले की तरह नहीं है कि किसी दो कंट्रीज की जंग हुई है तो तीसरे कंट्री पे उसका असर नहीं होगा। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल अगर दो कंट्रीज के अंदर वार होती है तो तीसरा कंट्री तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन मोर सेंस के पूरी दुनिया ही उससे इफेक्ट होती है। कोविड-19 की एग्जाम्पल हमारे सामने है, और जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। ये तो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की एग्जाम्पल कि स्टेट जो है वो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट स्टैंड नहीं कर सकती।
इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं तो उन लोगों ने भी स्टेट को डिक्टेट किया है, किस तरह किया है हम देखते हैं। जो यूरोपियन यूनियन है वो डिफरेंट कंट्रीज को जीएसपी प्लस स्टेटस देता है, इस स्टेटस के अंदर जो ट्रेड फैसिलिटीज हैं वो उस कंट्री को दी जाती हैं, और इसके बदले में उससे ये डिमांड की जाती है कि वो अपने मुल्क में माइनॉरिटीज और ह्यूमन राइट्स को बेहतर करने की कोशिश करें। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन में अप्रैल 2021 में पाकिस्तान से ये डिमांड की थी। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टीओ है, उसको जब हम देखते हैं तो उसके जो उसकी जो गाइडलाइन है उसके अंदर सबसे पहली बात ही ये है कि वो ये कहती है कि जो जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की, वो हर दूसरी स्टेट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज फ्राहम करेंगी। आजकल के दौर में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में आना चाहे, कोई अमेरिकन कंपनी या किसी और कंट्री से, और पाकिस्तान उसको अलाउ ना करे। ये पाकिस्तान के ऊपर बाउंड है कि पाकिस्तान ने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है उस कंपनी को, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। उसके बाद जो है आईएमएफ की डिमांड्स के बारे में हम सब जानते हैं कि आईएमएफ जो है वो हमारी सॉवरेंटी के अंदर, हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे इंटरवीन करता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि इन असेंस की ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है ये हमें डिक्टेट कर रही हैं, कोई हमारी एक्सटर्नल सॉवरेंटी को डिक्टेट कर रहा है तो कोई इंटरनल को। अच्छा, जो ऊपर हमने बयान किए हैं वो थे ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स, या उसकी हम कह सकते हैं नेगेटिव साइड। ऐसा नहीं है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टेट को स्टूडेंट्स डिक्टेट, स्टूडेंट्स ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पूरा 100 नंबर का इंग्लिश एसे आ चुका है कि ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म जो है वो कैन गो इन द लॉन्ग रन और नॉट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है पीएमएस के लिए भी, सीएसएस के लिए भी, एसे का। तो ये आप समझो कि, और पोल साइंस के तो ये डायरेक्ट 3 सवाल है ना जी अदील। जी जी सर, हाँ, तो ये पूरे के पूरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये आपको उस ऐसे के अंदर काम देंगे जी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की जस्ट नेगेटिव साइड्स नहीं है, उसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि उसकी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि अगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर हमें डिक्टेट कर रही हैं तो इन अ सेंस वो हमें कैपेबल कर रही हैं कि हम भी जो दुनिया की इकोनॉमिक रेस लगी हुई है उसके मुताबिक खुद को मोल्ड करें और हम स्टैंड करें। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स ले सकते हैं और कैसे हम प्रॉस्पर कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ की डिमांड्स हैं, अगर वो कंट्री हम एज ए कंट्री अगर हम उसको पूरा करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और जो है इंडस्ट्रीज भी इसकी फ्लरिश करेगी हमारी, और बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प होगी। इसके बाद जो है ना एक पूल्ड सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट भी इमर्ज हुआ है। इसके अंदर ये है कि पूल्ड सॉवरेंटी का मतलब ये है कि जो कंट्रीज हैं वो अपनी सॉवरेंटी किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो दे देती हैं, ये नहीं कि पूरी सॉवरेंटी ही उसके हैंड ओवर कर देती हैं, कुछ सॉवरेंटी दे देती हैं। वो देती क्यों है? वो इसलिए देती हैं कि उन्होंने वहां से बेनिफिट हासिल करना होता है। तो जो यूरोपियन यूनियन है ये पूर्ण सॉवरेंटी की एक सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि किस तरह स्टेट जो हैं वो एक बड़े फायदे, एक बिगर अचीवमेंट, या जो कहते हैं हम के वर्ल्ड के होराइजन पे बेनिफिट्स लेने के लिए इकट्ठी हो सकती हैं। तो जो पूर्ण सॉवरेंटी है तो यूरोपियन यूनियन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूरोपीय यूनियन के लेवल के ऊपर वो खुद ही ये फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है, अगर हमने ट्रेड को किस तरफ लेके जाना है, जो पॉलिसीज बनेंगी वो क्या बनेंगी, एग्रीकल्चर की पॉलिसीज क्या बनेंगी। तो ये सब पॉलिसीज जो हैं वो अगर यूरोपियन यूनियन बना रही है तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स कंट्रीज के लिए बना रही है। तो वो कंट्रीज जो अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, जो यूरोप में कमजोर मुल्क हैं, वो भी इन चीज़ों से फायदा ले सकते हैं और उनको इस चीज का फायदा भी होगा। अब आप देखेंगे कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनके लिए जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है। तो यहाँ 3-4 बेनिफिट्स जो है वो डिस्कस करेंगे हम,
सबसे पहले तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। हम देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जब भी दो कंट्रीज के दरमियान अगर उनके मुफादात मुश्तरक हुए हैं, तो अगर उससे पहले उनके दरमियान कोई क्या कहते हैं उसको इंसार्ट ऑफ वार चल भी रही थी, या उनके दरमियान किसी इश्यूज पे क्लैश चल रहा होता था, तो वो खत्म हो जाता है। इसी तरह जो यूरोपियन यूनियन में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये इसकी एग्जांपल है कि जब से यूरोपियन यूनियन बना है, यूरोप किसी मेजर वार में नहीं गया, अदर देन वर्ल्ड की पूरी दुनिया ही किसी न किसी सेंस में वार्स के अंदर शामिल रही है, लेकिन यूरोप जो है वो किसी मेजर वार के अंदर शामिल नहीं हुआ। हाँ, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हम ये देखते हैं कि जो 17, 18 सेंचुरी है, इवन वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसके अंदर यूरोप शामिल रहा है। उसके बाद ये बॉर्डरलेस स्टेट्स हैं, यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स, तो उसके अंदर अगर कोई शख्स किसी मेंबर कंट्री का किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहे तो वो फ्रीली जा सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और यूरोपीय यूनियन की जो ट्रेड है वो एक सिंगल मार्केट के तौर पे काम करती है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनके लिए असेसिबिलिटी आसान हो जाती है और उनको एक फ्री मार्केट एक्सेस मिल जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और सोशल इन्वायरमेंट और जो कंज्यूमर स्टैंडर्ड्स हैं, वो यूरोपियन यूनियन ने अपने हाई किए हुए हैं, और वो ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए काम करती है, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कमजोर स्टेट्स हैं, यूरोपियन यूनियन उसके लिए भी काम करता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि वो जो हमने पहले 16 और 17 सेंचुरी के अंदर स्टेट की डेफिनेशन की थी, फिर हमने 1933 के अंदर आके स्टेट की एक डेफिनेशन की मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन के अंदर, उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टेट ने खुद को ट्रांसफर किया है तो कैसे किया है, और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हुए हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारा है इसके अंदर वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड बर्थ ऑफ नेशन स्टेट। 19 सेंचुरी के अंदर आते आते हर कंट्री ये कहना शुरू हो गया था कि हमें फ्रीडम चाहिए, क्योंकि 19 सेंचुरी के हम देखते हैं जब 20 सेंचुरी आई है तो उसके मिडल में तो जो कॉलोनियलिज्म है वो तकरीबन एंड हो गया है 1950s के बाद, तो उससे पहले ही ये काम नेशन स्टेट वाला शुरू हो गया था कि किसी भी जगह के ऊपर रहने वाले लोगों के अंदर पहले जो नेशनलिज्म के जरासीम है वो पैदा किए जाते थे। जिस तरह सबसे बड़ी एग्जाम्पल यूनिफिकेशन ऑफ इटली की है, इन लोगों ने लिटरेचर लिखा और स्पीचेस की, और उन लोगों अपने जो पहले इटली की जो है, इटली डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड था, वो यूनाइटेड इटली नहीं था, आज का इटली नहीं था, तो इन लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स में जाके स्पीचेस की, लिटरेचर जो है पब्लिश करा के वो पब्लिश किया, और लोगों को अंदर एक नेशन का एहसास पैदा किया। तो इन लोगों ने फिर जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन इटली हुई इसकी वजह से, और जो कॉलोनाइज वर्ल्ड था उसके अंदर भी लोगों के अंदर ये टेंडेंसीज पैदा हुई कि हमें भी अपने इंडिपेंडेंट कंट्रीज के लिए एफर्ट करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो पूरी 19 सेंचुरी है, इवन इंडिया पाकिस्तान और उसके बाद मिडिल ईस्ट 20 सेंचुरी में, तो ये एक जो स्टेट है वो नेशनलिज्म की वजह से उसका राइज हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक आइडिया है कलेक्टिवाइज स्टेट्स का। ये ऐसी स्टेट होती है जो कि हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की एक एग्जांपल होती है। इसके अंदर जो स्टेट है वो इकोनॉमी इकोनॉमिक कमांड्स को खुद हैंडल करती है, और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होती हैं उसको जो अबॉलिश कर देती है। इसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो यूएसएसआर था, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो पूरा ईस्टर्न यूरोप था वो भी इसकी एग्जाम्पल था कि इन इन स्टेट्स ने ये किया है कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंडर उन्होंने उसकी कमांड में दे दी है, कि वो जो गवर्नमेंट है वही इकोनॉमी को रन करेगी एज कंपेयर टू अदर्स,
अदर्स ये कहते थे कि जो इकोनॉमी है वो मार्केट रन करेगी, मार्केट ही बताएगी कि डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। इसकी एक एग्जांपल हम पाकिस्तान की भी ले सकते हैं, क्योंकि अंडर भुट्टो इरा हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज किया गया था, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि आज तक जो है हम उसके जो इम्पैक्ट्स और जो उसके आउटकम्स हैं उसको हम फेस कर रहे हैं। अच्छा, 1950 तक आते आते जो है जो कॉलोनाइज स्टेट्स थी वो भी आज़ाद होना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद जब कलेक्टिवाइज स्टेट जो है वो चली 1992 तक, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक कंपटीशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो जाहिर हुआ है। तो कंपटीशन स्टेट में हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेट और मार्केट का रिलेशन है वो मार्केट और स्टेट का रिलेशन है, वो गवर्नमेंट का रिलेशन नहीं है। इसको हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ही डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट ने सॉरी कि इकोनॉमी ने कैसे रन करना है। इस यहाँ पे 1980s के अंदर न्यू लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तो उसका बेसिक थीम ही ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी का उससे कोई लिंक नहीं है, और वो फ्री मार्केट के ऊपर बिलीव करते थे और प्राइवेटाइजेशन करते थे, जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज थे उसकी प्राइवेटाइजेशन पे बिलीव करते थे। इसको हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ऐड कर सकते हैं कि जो दुनिया है वो तो 90s के एंड में ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन्हें ये नज़र आ रहा था कि नेक्स्ट जो आने वाले दिन है तो उसके अंदर न्यू लिबरलिज्म का ही राज होगा, और जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो ज़्यादा बेहतर कमा सकेंगी। लेकिन पाकिस्तान आज भी जो है वो अपनी PIA और स्टील मिल और रेलवे को खुद चला रहा है, और सालाना हमें जो है तकरीबन 700 अरब डॉलर्स का जो है वो नुकसान फेस करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि हमने उस पेस को फॉलो नहीं किया जिस पेस को दुनिया ने फॉलो किया है। अच्छा, ये पोस्ट मॉडर्न स्टेट जो है उसको हम तीन जो है वो स्टेट को तीन स्टेट्स की काइंड में डिफाइन करते हैं। जो रॉबर्ट कूपर था उसने 2004 के अंदर ये कॉन्सेप्ट दिया था, उसने कहा था कि प्री मॉडर्न और फेल्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट उसने दिया, फिर उसने मॉडर्न स्टेट का दिया, फिर उसने पोस्ट मॉडर्न स्टेट का दिया। उसने इस कॉन्सेप्ट को जो कॉलोनियलिज्म का एंड था उसके साथ उसने इसको इंटीग्रेट किया है, उसके परस्पेक्टिव में उसने इसको देखा है। तो प्री मॉडर्न और फेल्ड स्टेट के बारे में वो ये कहता है कि ये स्टेट जो थी ये अपने अंदर लेजिटिमेट मोनोपोली ऑफ फोर्स जो है उसको कायम करने में नाकाम रही है। मींस यहाँ जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेट मोनोपोली नहीं है यूज ऑफ फोर्स के ऊपर, जबकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोकल ग्रुप्स भी हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस स्टेट को फ्लरिश नहीं होने देते। यहाँ पे डोमेस्टिक ऑर्डर नहीं होता और पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो एट स्टेक होती है, और यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट जो होती है वो यहाँ पे ना होने के बराबर होती है। उसका मतलब ये था कि जब कॉलोनियलिज्म का इरा जो है वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये स्टेट्स वो स्टेट्स थी जिन्होंने खुद को टाइम के साथ, पेस के साथ अटैच नहीं किया, उनके साथ मुकाबला नहीं किया, खुद को उस तरह बनाने की कोशिश नहीं की। तो इसकी एग्जांपल्स में जो है DR कांगो है, सोमाली है, सब सहारन अफ्रीका है, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। ये कूपर का आइडिया था जो फेल्ड स्टेट का था। आज हम देखते हैं कि जो फेल्ड स्टेट है उसके अंदर FDI नहीं आ रही, उसकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, उसके अंदर जो सिविक्स हैं वो नहीं लोगों को अवेलेबल, बेसिक जो राइट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है उनके। और दूसरी जो स्टेट थी उसने उसको कहा मॉडर्न स्टेट। ये वो स्टेट्स थी जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक और डेवलपिंग स्ट्रेटजीज को विद द टाइम चेंज की है। ये इन्होंने खुद को इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन
और सोशल डेवलपमेंट के मॉडल के ऊपर खुद को इंटेक्ट किया है। इसकी एग्जाम्पल में इंडिया है, ताइवान है और साउथ कोरिया है। इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि वो जो फेल्ड स्टेट की बात की है, वो स्टेट्स भी इन्हीं स्टेट के साथ ही आज़ाद हुई थी, लेकिन इन स्टेट्स ने अपनी टेरिटरी के अंदर यूज़ ऑफ फोर्स को लेजिटिमेट किया है, मोनोपोली की है, यूज़ ऑफ फोर्स किया है, और जो इकोनॉमिक जो दुनिया डिमांड कर रही थी, जो मार्केट डिमांड कर रही थी, जिन चीजेस की, जिन स्ट्रेटजीज को अपनाने की, इन स्टेट्स ने उन स्ट्रेटजीज को अपनाया है। इसकी एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने जब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोले प्रीवियस सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, तो उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया की जो जीडीपी है वो कमोबेश सेम ही थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी, पांचवी बड़ी जीडीपी बन चुकी है, और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि हमने खुद को उस तरह मोल्ड नहीं किया जिस तरह हमसे डिमांड की जा रही थी। एज कम्पेयर टू इंडिया, हम हमारे अंदर जो है, हमारी स्टेट के अंदर टेररिज्म का जो है वो अरूज हुआ है, और हम एज ए स्टेट खुद को ये कह सकते हैं कि हम कूपर के जो आइडिया था उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट ही है। ये जो कूपर का आइडिया है पोस्ट मॉडर्न स्टेट का, ये बड़ा जबरदस्त आइडिया है। इसमें इसने कहा है कि अब जो है फोर्स के जरिए दूसरे के ऊपर, दूसरे को डोमिनेट करने का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। ये पहला वक्त था जब हम फोर्स इकना कह के, तो उसको मिलिट्री पावर के जरिए दूसरों को मरूब करते थे, दूसरों के ऊपर अपनी हेजमनी कायम करते थे। लेकिन उसने कहा कि वार्स के बाद, खास तौर पे वर्ल्ड वार टू के बाद, बहुत सारी स्टेट ऐसी थी जिन्होंने रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, और उन्होंने म्यूचुअल इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू किया, और उन्होंने ये कहा कि जो म्यूचुअल ओपननेस की, और उन्होंने अपने इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर बढ़ाई, और उसने ये कहा कि इन सब चीज़ों की वजह से, इन फीचर्स, इन क्वालिटीज़ की वजह से वो स्टेट जो है वो पोस्ट मॉडर्न स्टेट्स हैं। वो किसी वार का हिस्सा नहीं बनती हैं, वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करती हैं, और अगर उन्हें किसी दूसरे स्टेट के साथ मिलना भी पड़े अपने इंटरेस्ट को प्रिक्योर करने के लिए, तो वो ये भी कर देती हैं। अब वो टाइम नहीं है कि अगर हमने अपने इंटरेस्ट को प्रिक्योर करना है तो हम फोर्स का यूज करें। तो उसने इसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन है, उसने पोस्ट मॉडर्न स्टेट की जो बेस्ट एग्जाम्पल है, उसने यूरोपियन यूनियन को बोला है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ द स्टेट, क्योंकि हमने देखा 80s में जब न्यू लिबरलिज्म का आइडिया आया और बॉर्डरलेस ट्रेड, फ्री मार्केट का आइडिया आया, तो उससे ये हुआ कि ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लोगों की आमदोरफ्त शुरू हुई, और जो टीएनसीज थी उन्होंने दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपने प्रोडक्शन के प्लांट्स लगाने शुरू किए, और उसके बाद जो एक हम कह सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ फ्री मार्केट था एट सम एक्सटेंट वो हमें पूरा होता हुआ नजर आया। लेकिन 21st सेंचुरी में हमें ऐसा नजर नहीं आता। कमोबेश ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया में भी यही ट्रेंड है, लेकिन कुछ खास स्पेसिफिक लेंजेस अगर हम देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि स्टेट जो है वो फिर से अपना वही, क्या कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड गेन करने की कोशिश कर रही है जो उसका उन दिनों में था जब सॉवरेनिटी जो है उसको हम एक हार्ड कंटेनर की तरह कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ रिटर्न ऑफ स्टेट में हम जो है वो चार चीजें को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक स्टेट के लिए नए चैलेंजेस क्या हैं, और ट्रांसनेशनल टेररिज्म क्या होती है, जो दुनिया है पोस्ट 9/11 के बाद वो कैसे जो है वो सफर कर रही है, और जो 2007 और 8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था उसने स्टेट्स को किन चीजों को के देखने पे दोबारा मजबूर की है। तो हम ये देखते हैं कि 21st सेंचुरी में अगर लोगों की आमदोरफ्त विद इन द स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स बढ़ी है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है वो भी बढ़ी है। पाकिस्तान की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि
समटाइम ऐसा होता है कि अफगानिस्तान से तो नहीं लेकिन ताजिकिस्तान के जो ताजिक ग्रुप हैं टेररिज्म के, वो यहाँ पाकिस्तान में आके जो टेररिस्ट अटैक है वो कर देते हैं। इसी तरह जो है पिछले दिनों ईरान और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो भी हम उसको इसी तनाजुर में भी दे सकते हैं। तो ये जो बढ़ती हुई टेंडेंसीज हैं ट्रांसलेशन टेररिज्म की, ये स्टेट को जो है डिफरेंट मेजर्स लेने पे मजबूर कर रही हैं। इसके अंदर जो है वो एक जो ट्रांसलेशन टेररिज्म है, इसके ऊपर जो है वो पोलैंड के वजीर आजम की स्पीच है प्राइम मिनिस्टर की यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर वो बड़े फख्र से ये बताता है कि हमने किसी भी मुस्लिम को अपने कंट्री के अंदर शामिल नहीं होने दिया और हमारी कंट्री के अंदर जो टेररिज्म के वाकयात हैं वो ना होने के बराबर हैं। मीन्स उस उन्होंने ये कहा है कि हमने अपनी सॉवरेंटी को इंटेक्ट रखा है और हम किसी भी शख्स को अलाउ नहीं करेंगे कि वो फ्रीली हमारी कंट्री के अंदर शामिल हो जाए, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। अब हम आगे देखते हैं कि जो 9/11 है उसके बाद स्टेट को किन चैलेंजेस का सामना है और स्टेट जो है वो इनसे कैसे डील कर रही है। तो सबसे पहले ये है कि अब दुनिया को टेररिज्म का सामना है, टेररिज्म का खौफ है, तो जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हैं वो कंट्रीज ने बढ़ा ली हैं। यूएसए, रशिया, चाइना, इवन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं कि इन लोगों ने अब 9/11 के बाद अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को बहुत ज्यादा हद तक बढ़ाया है। और आगे वही बात आ जाती है टाइटर बॉर्डर कंट्रोल की, तो ये बात पहले कर चुके हैं हम। और उस 9/11 के बाद कंट्रीज जो हैं वो एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजीज जो हैं वो उनको फॉलो कर रही हैं, उनको अडॉप्ट कर रही हैं। यानी कि इसके अंदर हम टेररिज्म को जो फेस करना है, कन्फ्रंट करना है, उसकी दो क्या कहते हैं उसको स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे। काइनेटिक होती है और एक नॉन काइनेटिक होती है। पाकिस्तान ने 9/11 के बाद बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं जिसके अंदर ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, जरबे अजब है, ये काइनेटिक रिस्पॉन्स था टेररिज्म टेररिस्ट ग्रुप्स को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बाद हमने ये भी किया है कि हमने वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो बलूचिस्तान में थे, जो हमारे विद इन द कंट्री थे, हमने उनके साथ नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स भी उनको शो की है कि अगर वो पाकिस्तान के कौमी धारे के अंदर दोबारा शामिल हो जाएं तो हम उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। मतलब ये है कि डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं टेररिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए। इसी तरह जो नेटो है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो की कोई भी कंट्री अंडर अटैक होगी तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा नेटो ही जो है वो अंडर अटैक होगा। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल रिस्पॉन्स की जो एक स्ट्रेटेजी है वो अपनाई जा रही है डिफरेंट कंट्रीज की तरफ से। इवन पाकिस्तान और ईरान के जब जब ईरान के प्रेसिडेंट यहाँ आए हैं तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम जो है वो म्यूचुअल कॉरपोरेशन करेंगे, म्यूचुअल दो एक दूसरे के साथ टेररिज्म के खिलाफ तआवुन को बढ़ाएंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो 2007 और 8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था। अगर हम देखें तो इसकी एक बेसिक रीजन जो हर जगह बयान की जाती है वो ये है कि यूएस की जो हाउसिंग की क्या कहते हैं उसको थी इकॉनमी, हाउसिंग इकॉनमी वो कोलैप्स कर गई थी। उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आया है कि पूरी दुनिया ने उसको फेस किया है। तो ये ओवर डिपेंडेंसी है हमारी कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर उसके अंदर कोई क्राइसिस आ जाता है तो हमें भी चाहते ना चाहते हुए उसको फेस करना पड़ता है। तो हम ये देखते हैं कि ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 और 8 क्या है, उसके बाद जो स्टेट्स हैं और जो डिफरेंट थिंकर्स हैं उनके दरमियान ये बात हो रही है कि सेल्फ सफिशिएंसी पे जो है वो फोकस किया जाए और डिफरेंट स्टेट जो है वो अब सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रही हैं, जैसे इंडिया है, इवन टर्की है इन टर्म्स ऑफ जो आर्मी के गुड्स होती हैं उनके। तो बहुत सारी कंट्रीज डिफरेंट बेस को अडॉप्ट करते हुए सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रही हैं। इसके बाद जो है वो चाइना यूएस ट्रेड वार है जो 2017 की है,
2018 के अंदर जो है वो चाइना यूएस ट्रेड वार जो है वो शुरू हुई है। इससे पहले 2017 में जो चाइना और यूएस का ट्रेड वॉल्यूम था वो तकरीबन 635 बिलियन डॉलर के करीब था, जिसके अंदर जो यूएस है वो जस्ट एक्सपोर्ट कर रहा था 130 बिलियंस का, और उसका इम्पोर्ट बिल जो है वो 505 बिलियंस के करीब था। तो इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो चाइनीज गुड्स हैं उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें हम अपने कंट्री में आने से रोका जाए। इससे पहले ये होता था कि जो चाइनीज प्रोडक्शन जो प्रोड्यूसर थे वो ये करते थे कि जो गुड्स बनाते थे वो एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं वो तो यूरोप और अमेरिका जैसे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देते थे, और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग उनका प्रोडक्शन लाइन होती थी उसके ऊपर जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते थे वो जो क्या कहते हैं सो वीकर इकोनॉमीज होती थी जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, इन लोगों को वो एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ, ये कहा जाता है कि जो यूएस और चाइना का ट्रेड वार है इसकी वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर क्या कहते हैं उसको प्राइस हाइक आया है, इन्फ्लेशन राइज आया है, वो तकरीबन 4% के करीब था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ कि जब चाइनीज प्रोड्यूसर ने दोबारा हमें जो हमारी कंट्री जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका उनको जब माल बेचा, तो उन्होंने वो माल जो उन्होंने यूएसए को बेचना था वो उन्होंने हमें बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि तो यूएसए तो जा नहीं रहा था। तो इस तरह ये हुआ कि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 4% तक इंक्रीज हो गई। तो हम ये देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी जो है वो एक कंट्री की दूसरी कंट्री को भी इतनी है कि अगर उन दोनों के आपस में ताल्लुकात रिलेशन जो है वो खराब हो जाए तो उसका जो खमियाजा है वो क्या कहते हैं पूरे एक कंटिनेंट को या और कंट्रीज को भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ तक जो है हमने डिस्कस किया है सॉवरेंटी को, स्टेट को, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन को, कि जब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आई तो स्टेट ने खुद को कैसे ट्रांसफर किया है, उसके बाद कल्चर ग्लोबलाइजेशन में स्टेट ने कैसे ट्रांसफर किया है। अब जब स्टेट को 21st सेंचुरी में न्यू इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, जिसमें टेररिज्म क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको स्टेट कैसे टैकल करने की कोशिश कर रही है, ये आज तक हमने अभी तक डिस्कस किया है। अच्छा, इसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी और जो उसके फॉरेन पॉलिसी कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर मेड, तो हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो वार्ड्स की बुक है द मैन द स्टेट एंड वॉर, उसने जब एनालिसिस किया तो उसके अंदर उसने तीन जो है वो पॉइंट्स निकाले हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हम फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, स्टेट लेवल पे लेते हैं और स्ट्रक्चर लेवल पे लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कह सकते हैं कि वो पहले जब मोनार्क हुआ करते थे या जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हुआ करती थी तब वो इंडिविजुअल लेवल में भी क्या कहते हैं उसको फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन ले लिया करते थे कि कहाँ हमने वॉर के साथ जाना है, कहाँ हमने कंट्री के साथ सुलह करनी है, कहाँ हमने दोस्ती बढ़ानी है, या हमने दुनिया को कैसे डील करना है। फिर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल के अंदर फिर ये होता है के स्टेट के अगर किसी के साथ फॉरेन पॉलिसी एक डिसीजन चेंज करती है तो उसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे जो है क्या कहते हैं उसको उसको देखा जाता है। जैसे हम ये भी देखते हैं कि क्या अगर हम किसी मुल्क के साथ वॉर के अंदर जा रहे हैं तो हमारा उसके अंदर क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये डिस्कशन जो होती है ये पार्लियामेंट के अंदर होती है, विद इन पार्लियामेंट। इसकी एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि जब सऊदी अरब ने हमसे ये मुतालबा किया था कि हम अपनी अफवाज को हाउथीज के खिलाफ यमन में कार्रवाई के लिए भेजें, तो पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट हुई थी जिसमें पार्लियामेंटेरियन ने ये कह दिया था कि हम किसी भी वार का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर ऐसा ना होता और ये इंडिविजुअल पावर होती तो हो सकता है कि कोई एक शख्स ये फैसला कर लेता और हम उस जंग में दोबारा से कूद पड़ते, जिस तरह हमने मुशर्रफ के दौर में यूएस के साथ जो है अफगान तालिबान के खिलाफ जंग शुरू की है। और स्ट्रक्चरल इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम ये वही बात है कि स्टेट जो है स्टेट उसको चेंजेस करनी पड़ती हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर जो डिमांड होती है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की।
जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, हमें उसी तरह खुद को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम फॉरेन पॉलिसी के कुछ मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है रैशनल एक्टर मॉडल, फिर है इंक्रीमेंटल मॉडल, और फिर है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल। तो जो रैशनल एक्टर मॉडल है इसको हम यूटिलिटेरियनिज्म के तनाजुर में देख सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो जेएस मिल का आइडिया था वैसे, लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी कोई फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन लेंगे तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, यानी कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियर होते हैं और जो नेचर ऑफ प्रॉब्लम है वो भी आइडेंटिफाइड होती है। और उसके अंदर इसको अगर हम इसको हम कॉस्ट बेनिफिट जो थ्योरी है उसके परस्पेक्टिव में भी देख सकते हैं कि अगर फॉरेन पॉलिसी के जरिए हमको डिसीजन ले रहे हैं, सपोज हम अगर किसी के साथ वॉर में जाना चाह रहे हैं, या अगर हम किसी भी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को रीहैब कर रहे हैं, या किसी के साथ रिलेशंस को कट ऑफ कर रहे हैं, तो हमें उसका कॉस्ट तो ज्यादा नहीं आएगी कि बजाय ये हो जाए कि हमें उसका फायदा ज्यादा होने से उसका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो इसको हम रैशनल एक्टर मॉडल कहते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल जो है वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हम कह सकते हैं कि यूएस जो है वो ये देख सकता है कि अगर हम नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो उसके लिए एक इशू है। अब उसने ये देखना है कि क्या अगर मैं यूएस नॉर्थ कोरिया पे अटैक करता हूँ तो मुझे कितना फायदा होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, या अगर वॉर एक उसके पास सोल्यूशन नहीं है तो फिर वो अदर सोल्यूशंस की तरफ देखेगा, अदर वेज की तरफ देखेगा, वो डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करेगा, थ्रू डिप्लोमेट्स वो ये मामला सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरह भी नहीं टैकल होगा तो फिर ये करेगा कि डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं रीजनल और इंटरनेशनल उसके जरिए नॉर्थ कोरिया को प्रेशराइज करेगा। इन अ सेंस कहने का मतलब ये है कि जो भी हमने एक्शन करना है उसका रिजल्ट, उसका ऑब्जेक्टिव हमें पहले से हमारे माइंड में होता है कि अगर हम ये एक्शन ले रहे हैं तो क्या कल को आने वाले वक्त में हमें इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। इसी तरह जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स को वो भी इसी चीज को देख के लिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी का मॉडल है वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब ये है, इसको चार्ल्स लिंडब्लोम ने डिफाइन किया था, इसने एक टर्म निकाली थी साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो डिसीजन होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिए जाते, बहुत शॉर्ट डिसीजन लिए जाते हैं, और उसको जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी किया जा सकता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप डिसीजन होते हैं, और जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है वो कंटिन्यू कर सकता है कि अगर तो सिचुएशन हमारे हक में है, हमारी फेवर में है, तो अगर सिचुएशन सिचुएशन हमसे ये डिमांड करती है कि डिसीजन को चेंज किया जाए तो हम फौरी तौर पे उसको चेंज कर सकते हैं। तो जो यूएस इन्वॉल्वमेंट थी ताइवान वियतनाम के अंदर उसको हम जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल कहते हैं, क्योंकि शुरू में जब उन्होंने अटैक किया था वियतनाम के ऊपर तो उन्होंने लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लिया था, उनका ये ख्याल था कि ये शायद बहुत जल्दी जो है वो हमारे हमें अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो है वियतनाम वार जो है वो ओवर ए डिकेड जारी रही है, तो जो यूएस है उसने सिचुएशन जो डिमांड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने जो है डिसीजंस हैं उसको चेंज करता रहा है वो। इसके बाद ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मॉडल है, ये जो है वो ग्रैम एलिसन ने दिया था 1971 में। इसके अंदर उसने दो चीजों को डिस्कस किया है कि एक तो ब्यूरोक्रेसी में जो है वो एक सुपर चेन ऑफ कमांड होती है जिसके अंदर ये हो सकता है कि कोई भी डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं हो सकता, तो इसके अंदर जो चेन ऑफ कमांड है उसको फॉलो किया जाता है। और उसके बाद जो इसके अंदर डिफरेंट एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की जो एक दूसरे के अगेंस्ट डिस्कशन करती हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जब भी जो यूएस है वो किसी कंट्री के ऊपर सेंक्शन लगाता है तो जो कॉमर्स और एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है यूएस के अंदर
वो उसको मोर और लेस अपोज ही करते हैं, लेकिन जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट है वो हमेशा उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसके हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक ये भी डिबेट का बिहेवियर भी होता है, और उसके अंदर जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है इसके अंदर सेंस ऑफ बार्गेनिंग भी होती है। इस जो सेंस ऑफ बार्गेनिंग है इसको हम जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है 1962 का उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जब वो मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तो जब इन रशिया और यूएस के दरमियान जब टॉक हुई तो उन्होंने गिव एंड टेक और के ऊपर जो है वो अमल किया। तो रशिया से ये कहा गया था कि वो क्यूबा से अपने मिसाइल हटा लें, इन रिटर्न जो है वो यूएस ने टर्की से अपने मिसाइल्स को विड्रॉ कर लिया था। उस वक्त जो रशिया है उसकी बाउंड्री जो है वो टर्की के साथ अटैच होती थी, तो ये रशिया के लिए एक परमानेंट थ्रेट था कि जो यूएस के मिसाइल्स हैं वो वहां पे मौजूद हों, और ये यूएस के लिए भी एक थ्रेट था कि जो रशियन मिसाइल्स हैं वो क्यूबा में मौजूद हों। तो इन दोनों ने फिर आपस में ये डिसीजन लिया है कि जो इसके अंदर ये होता है कि जो जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनको परसू करते हैं, उनको परसीव करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है उसको इसके में हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दोनों लोगों दोनों कंट्रीज ने बार्गेन किया और अपने अपने इंटरेस्ट को वहां से जो है वो हासिल किया है, और उसके बाद वो दोनों अपने घर चले गए। जी सर, यही था मेरा आज के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव साथ आपने ये जो प्रेजेंटेशन इस तरह से शेयर कर लिया, ज़रा और आसान हो गए। ठीक है, और आई होप थैंक यू कि काफ़ी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप कराएगा। थैंक यू जी जी, सर। थैंक यू दी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।